T20 वर्ल्ड कप अपने अंतिम फेज में पहुंच चुका है, जहां हर दिन बहुत ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा हमें आज के मैच में देखने को मिला, जहां अफगानी पठान्स ने कमाल ही कर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रनों से हराकर सबको हैरान कर दिया। बता दें, जहां पूरे कंगारू टीम 19.2 ओवर्स में 127 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं बल्कि फील्डिंग में भी काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह को अब अफगानिस्तान ने और ज्यादा मुश्किल कर दिया है, जिसमें उन्हें भारत के खिलाफ 24 जून को होने वाले मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान मिचेल मार्श काफी उदास दिखे। उन्होंने कहा कि हमें 20 रन इस मुकाबले में काफी महंगे पड़ गए। काफी टीमों ने इस टूर्नामेंट में पहले गेंदबाजी की है। मुझे नहीं लगता कि टॉस जीतने या हारने के बाद आप मैच में हार या जीत जाते हैं। इस मैच में हमारी फील्डिंग काफी खराब रही। दोनों ही टीमों ने इस विकेट पर खेला जिसमें बल्लेबाजी करना आसान काम नहीं था। अफगानी क्रिकेटर्स ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला और हमें कहीं से भी वापसी करने का मौका नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बहुत ही खराब फील्डिंग करी, जहां उन्होंने 5 कैचेस छोड़े जिसमें एक कैच इब्राहिम जादरान का भी था, जिन्होंने इस मुकाबले में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी की बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल ने ही सिर्फ 59 रनों की लंबी पारी खेली। वहीं कैप्टन मिचेल मार्श ने सिर्फ 12 रन बनाए, बाकी पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम डबल डिजिट्स तक भी नहीं पहुंच पाई। साथ ही आप सभी लोग अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से कितने ज़्यादा प्रभावित हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।